Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid, and after you guys have quite literally begged me for the past 2 days to make another video on Kingdom and Amelia, okay? So I decided to create a second part. This part has taken me a lot of time to finalize, so I hope you guys enjoy this video, okay? So in the second part, I'll be specifically talking about protosome and deuterosomes, and then uske baad maine thoda sa आपके जो फाइलम का डाटा है उसको डिटेल में लेके जाने. अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फोकसिंग ऑन द हाई यील्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स. रैपिड रिव्यू है ये, ठीक है? तो डोंट थिंक कि मैं पूरा चैप्टर इसमें करवा रहा हूँ, राइट? दिस इज जस्ट सपोज टू बी सीन अ फ्यू डेज बिफोर योर एग्जाम्स सो दैट यू कैन रैपिडली रिव्यू थिंग्स, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. एंड इन द स्टार्ट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज एन ओवरव्यू, ठीक है? सो वी हैव बेसिकली बीन टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है? कि अच्छा, हमारे पास पैराजोआ होता है, यूमेटोजोआ होता है. पैराजोआ बहुत सिंपल होता है, उसमें सिर्फ हमारे पास फाइलम पोरोफिरा होता है, ठीक है? यूमेटोजोआ इज गोइंग टू बी डिवाइडेड टू ग्रेट रेडियाटा, ठीक है, जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड ग्रेट बायलेटेरिया जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. यू नो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो. ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर एसिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है? वी रियली केयर अबाउट द सिलोमेट्स, ठीक है? सो हमारे पास प्रोटोसोम्स एंड ड्यूटेरोसोम्स, दिस इज व्हाट वी रियली केयर अबाउट नाउ, ठीक है? सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रोटोसोम्स वर्सेज ड्यूटेरोसोम्स, ठीक है? एंड इसके डिफरेंसेज आर कॉमनली आस्क्ड, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद प्रोटोसोम्स वर्सेज ड्यूटेरोसोम्स, ठीक है? कि क्या चीज़ होती है, व्हाट डज दिस रियली मीन, ठीक है? एंड लेट्स जस्ट रियली टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बोथ आर, ठीक है, सिलोमेट्स, ठीक है? तो ये यू कांट रियली गो एंड से कि ओ देयर इज एन एसिलोमेटिक प्रोटोसोम, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज होती है. तो क्या होती है? दैट्स बेसिकली अ वे ऑफ द सेल्स डिवाइडिंग. यू डोंट नीड टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. आई मीन ऑब्वियसली आई वुड लव टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट, बट एज दिस इज अ रैपिड रिव्यू वीडियो, ऑल यू नीड टू जस्ट फॉर योर एग्जाम्स जस्ट मेमोराइज प्रोटोसोम्स हैव स्पाइरल क्लीवेज, ड्यूटेरोसोम्स हैव रेडियल क्लीवेज, ठीक है? प्रीटी सिंपल, राइट? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ना दो तीन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास माउथ होता है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम आवर ब्लास्टोस्पोर. ब्लास्टोस्पोर क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था. तो माउथ इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द ब्लास्टोस्पोर. ब्लास्टोस्पोर अगेन इज़ द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है? और इट कैन बी फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लाइक एम्ब्रियो, ठीक है? कि उसका जो एंटीरियर आगे वाली जगह वहाँ से भी बन सकता है, ठीक है? एंटीरियर मार्जिन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था गाइस, कि यहाँ पे द माउथ एंड द एनस, एनस इज गोइंग टू बी मेड फ्रॉम द ब्लास्टोस्पोर, ठीक है? सो एनस बनेगी आपकी ब्लास्टोस्पोर से, और जो आपका माउथ है थोड़ा सा ना आगे करके व्यू से कि एंटीरियर टू ब्लास्टोस्पोर, anterior to blastospore. Again, it's really difficult to understand these things if you don't know how, you know, like embryology as a whole is working, ठीक है? So, but again, I'm just trying कि मैं तुम लोगों को जितना पेपर के लिए अब याद करने के लिए रिक्वायर्ड है मैं उतना करवा दूँ, ठीक है? अच्छा guys, deuterosomes के अंदर ना जो हमारा सीलोम होता है, ठीक है, this is going to be made as an out pouching of something called the आर्चिंटेरॉन. आर्चिंटेरॉन क्या होता है, आर्किंटेरॉन भी कहते हैं, ठीक है? आर्किंटेरॉन इज गोइंग टू बी टेरॉन. लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने बताया था दिस इज द प्रिमिटिव गट, ओके? सो सीलोम इज एन आउट पाउचिंग ऑफ द प्रिमिटिव गट. प्रीटी सिंपल, राइट? अच्छा, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि दिस इज एन एंट्रोसीलस, ओके? दिस इज एन एंट्रोसीलस, इट्स प्रीटी इजी. एंट्रिक, एंट्रिक से निकलता है. एंट्रिक क्या होता है, गट, ठीक है? जी, एंट्रिक फीवर हुआ था, पेट का फीवर हुआ था, तो एंट्रोसीलस. पेट का फीवर क्या मतलब, नहीं कि लाइक फीवर सिर्फ पेट में, इट मीन्स इट ओरिजिनेटेड इन द स्टमक, इफ यू गाइज आर वंडरिंग, ठीक है? अच्छा, एनी वेज गाइज, कमिंग ओवर हेयर, हमारे पास यहाँ पे जो सीलोम होता है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म. तो जो मीजोडर्म होता है वो स्प्लिट करता है, and as a result of that we have the coelom being made, theek hai? And in this case it is going to be called a schizocoelus, theek hai? So ye hum logo ne baat kar li. And guys, yahan pe hamare paas jo mesoderm hota hai, now last thing that we're going to be talking about is going to be the mesoderm. So in your protosomes, in your deuterosome, sorry,
The mesoderm is going to be derived from wall of the developing gut, yani ke wall of enchiridion. And this is one of those things, like aap logon ne last video mein dekha hoga, maine sara conceptually padhaya hai. Ye jo screen pe likha hua hai, this is just rata stuff, theek hai? Kyunki without having like attending an embryology 101 course, you guys can't make sense of these things. But ab khair kya kiya ja sakta hai, wo pooch lete hain, theek hai? So mesoderm यहाँ पे is going to be derived by cells on the anterior lip of blastospore. Blastospore क्या होता है? It's a primitive opening, ठीक है? That is it. अब याद करने की क्या बात है? That's a bit stupid, but you need to memorize के phylum Echinoderm, Echinoderma, ठीक है? Hemichordata, Hemichordates and chordata. Okay, this one I've written first because this is more important, because I love to ask you jo chordates hote hain, jo essentially phylum chordates mein hum log aate hain, to they're like inki kaun si cleavage hoti hai, it's radial cleavage, theek hai, aur ye other, you know, do they belong to the protosome group or the deuterosome group? They belong to the deuterosome group, theek hai? Pretty simple stuff, nothing difficult. Acha uske baad guys agli cheez hamare paas ye aati hai ki yahan pe phylum Eschelminthes आते हैं, फिर आता है एनिलिडा, एनिलिड्स जिन्हें हम कहते हैं मॉलस्क, ठीक है, जिन्हें मोलस्का कहते हैं, ठीक है, एंड आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके गाइस, तो ये मैंने जो थोड़ी सी आज की अनोइंग बातें थी, आई वांटेड टू गेट डन विद देम अर्लियर ऑन, वी हैव डन देम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइलम कॉर्डेट्स. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट फाइलम कॉर्डेट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फाइला that I kept in the middle because again only doing high yield things. So talking about my phylum chordates, kya hote hain ye, kahan se aate hain, kya karte hain, let's talk about all of those things. Phylum chordates jo hote hain, first of all, that what I want you guys to know is ke I'll be talking about certain characteristics, and what I want you guys to keep in mind is ke characteristics sara time present nahi hote, theek hai, kuch mein hote hain, kuch mein nahi hote, theek hai, lekin this is just something jo ke generally sab mein maujood hoti hai, theek hai. Acha, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ होती है? नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या चीज़ होती है गाइस? नोटोकॉर्ड इज एसेंशियली एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड होती है, ठीक है, जो कि आपके बॉडी को ना सपोर्ट कर रही होती है. इट सपोर्ट्स द बॉडी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेट, ठीक है, दैट इज़ इट. और ये हमारा ना बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करवाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है. एंड द नोटोकॉर्ड इज वॉट विल बी मेकिंग योर वर्टेब्रल कॉलम. दे कैन आस्क यू, दे विल गिव यू पिक्चर ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड दे विल बी लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट डिराइव फ्रॉम इन फाइलम कॉर्डेट्स, इट्स नोटोकॉर्ड, ठीक है. तो दिस इज वॉट बेसिकली मेक्स अस वर्टेब्रेट्स, ठीक है. अच्छा, हमारे पास गाइस जो एक अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है जो इनको इनको डिफाइन करता है, दैट इज गोइंग टू बी अ हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम. डॉर्सल का क्या मतलब है? पीछे मौजूद है. आपको मैं खड़ा करूँ, आपका नर्वस सिस्टम किधर है? आपके पीछे बेसिकली मौजूद है, ठीक है, हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम, ठीक है. द हॉलो थिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली योर ब्रेन इज ऑल्सो हॉलो एंड योर स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो हॉलो अंदर से, ठीक है. मोस्ट ऑफ योर ब्रेन आर वैसे ही हॉलो, तुम लोगों का जो हाल है इस टाइम पे, ठीक है. लेकिन एनी वेज, सो दिस इज समथिंग दैट स्पेसिफिकली हैव प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स. सो दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन बी लाइक ओके विच ऑफ द फॉलोइंग यू नो सॉर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेस कॉर्डेट्स, इट विल बी के हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम, दैट्स इट, फुल स्टॉप, वी आर डन. ओके, सो द थर्ड थिंग इज फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है. ये सब अगेन, ये जो तीन मैंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ये सारों में मौजूद नहीं होती एट ऑल टाइम्स, ठीक है, बट कुछ होती हैं जैसे हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन प्रीटी मच ऑल ऑफ दीज, ठीक है. अच्छा, फेरेंजियल गिल्स, ठीक है, सॉरी फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स स्लैश पाउचेस, कुछ में स्लिट्स होते हैं, कुछ में पाउचेस होते हैं, ठीक है. ये क्या होते हैं गाइस? फर्स्ट थिंग ये पाउचेस हम इन्हें कब कहते हैं और हम इन्हें स्लिट्स कब कहते हैं? आई वॉन्ट यू गाइस टू नो दिस. आई बी कॉलिंग दम पाउचेस वेन दे आर नॉट ओपन. जब ये ओपन हो जाएंगे ना एक साइड से, मैं इनको कहूँगा जी स्लिट, ठीक है. ऑल राइट, नाउ गाइस द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू नो, ह्यूमन्स के अंदर ना ये स्लिट होते हैं, ठीक है. ह्यूमन्स हैव स्लिट्स, दे हैव फेरेंजियल स्लिट्स, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू बी कनेक्टिंग योर फेरिंग्स
sort of throat, ठीक है, in layman's terms, and your middle ear, ठीक है. और इसको हम क्या नाम देते हैं, eustachian tube. Eustachian tubes दो होती हैं, ठीक है. इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू गाइस वांट टू नो, बच्चों के अंदर, सो इफ आई मेक अ ब्रेन, इफ आई मेक अ फेस ऑफ अ किड, दिस इज द नोज, आईज, ईयर्स. जो बच्चों में eustachian tube होती है ना गाइस, दैट इज बेसिकली लाइक दिस, ठीक है, sort of like this. And comparing this to an adult, ठीक है, that is going to be, ठीक है, that is going to be like this. That's really fascinating, ठीक है, कि as you grow, इसका एंगल चेंज हो जाता है, which is why बच्चे जो होते हैं उसके अंदर, बच्चों के अंदर जो ओटाइटिस मीडिया होता है, कान की इन्फेक्शन होती है, बहुत कॉमन होती है, ठीक है. मतलब मुझे बचपन में बहुत होती थी, क्योंकि जो eustachian tube होती है, इट हैज़ अ मोर, यू नो, इट्स लाइक फ्लैटर, बट देन लेटर ऑन इट सॉर्ट ऑफ हैज दिस ग्रेडिएंट, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फाइंड रियली इंटरेस्टिंग, बट जस्ट डिसाइडेड टू, यू नो, पुट दिस इन एज वेल. सो खैर, हमारे पास eustachian tubes मौजूद होती हैं. अच्छा गाइज, अब कॉर्डेट्स में ना हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, मैं सिर्फ एक को मेंशन करूंगा और एक को मैं ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है. सो गाइज, कॉर्डेट्स के अंदर वी आर गोइंग टू बी हैविंग टू ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप इज गोइंग टू बी व्हाट मोस्ट ऑफ यू बिलोंग टू, एंड दैट इज योर प्रोटो कॉर्डेटा. इसको ग्रुप ए भी कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है, ग्रुप ए. और उसके साथ साथ इसको वी बेसिकली से कि दिस इज ग्रुप ए क्रेनियाटा. क्रेनियाटा क्या होता है, इनके पास स्कल नहीं होता, ठीक है. सो स्कल भी नहीं होता और प्रीटी मच इतना खास कोई दिमाग भी नहीं होता, ठीक है. में होता है थोड़ा सा दिमाग, लेकिन खैर, इट्स प्रीटी मच लाइक यू, नो स्कल एंड नॉट दैट स्मार्ट, ठीक है. अच्छा, व्हाट डू आई वांट यू गाइस टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्कल, नो क्रेनियम, ठीक है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड वांट यू गाइस टू नो इज कि नो वर्टेब्रल कॉलम आइदर, ठीक है. सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि ओ सारे कॉर्डेट्स में वर्टेब्रल कॉलम होता है, नहीं होता, ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज के वी हैव टू क्लासेस, ठीक है. वी हैव सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है. अगेन बस ये रट्टा मार लो, सब सॉरी सब कॉर्डेटा लिख रहा हूँ, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्टरनेटिवली ट्यूनिकेट भी कहते हैं, ठीक है. सब फाइलम ट्यूनिकेट या खाली ट्यूनिकेट भी कहते हैं. And there is subphylum cephalocordata. If anyone wants to know the differences, मैंने तो नहीं याद किए थे, at least मैंने एम डी कैट के टाइम पर जाके याद किए थे, मैंने ए क्यू के टाइम पर याद नहीं किए थे, ठीक है. सो इफ एनी वन डज वॉन्ट टू नो दैम, ठीक है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जो होता है, इट इज़ बेसिकली इट हैज़ अ नोटोकॉर्ड एज अ लार्वा, बट वैन इट बिकम्स ओल्ड इट डज नॉट हैव इट, ठीक है. सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पूरी जिंदगी और पूरी बॉडी में मौजूद होती है, दैट्स इट, ठीक है. नाउ गाइस, आई वांट टू मूव ऑन टू ग्रुप क्रेनियाटा. ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू हमारे पास जो ग्रुप बी होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड ग्रुप बी इन सर्टेन बुक्स. मतलब इसका नाम ही ग्रुप बी रखा हुआ है, ठीक है, ग्रुप बी ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. ऑलराइट, एंड द एक्चुअल नेम ऑफ इट इज ग्रुप cranium. They have a cranium, they have a skull, and they have a vertebral column that is properly established. Okay? Skull plus vertebral column. Okay. So guys, हमारे पास ना इसके अंदर एक ही subphylum होता है of importance, and that subphylum is going to be pretty simple to remember. That is the subphylum vertebrata. Vertebrata. अच्छा, लेकिन इसमें ना दो सुपर क्लासेस होती हैं, ठीक है, सुपर क्लासेस. मतलब इसके फर्दर ग्रुप्स होते हैं सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापॉड. हमारे लिए टेट्रापॉड इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, सॉरी, हमारे लिए स्पाइसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. और यू नीड टू नो इसके चार स्पाइसेस के क्या ग्रुप्स हैं, स्पाइसेस के थ्री फर्दर क्लासेस हैं, ठीक है. देयर साइक्लोस्टोमेटा, देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ड्रिक्टाइज, देयर इज गोइंग टू बी
टीएचआईट्स, सॉरी आई हैव टू लुक एट द स्पेलिंग्स, फिर भी मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन खैर. अच्छा, सुपर क्लास टेट्रापोडा में क्या होता है? दिस इज सुपर सिंपल. नाउ देयर इज गोइंग टू बी एम्फिबियंस, देयर इज गोइंग टू बी रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिन्हें एवियस भी कहते हैं बिकॉज एविएशन, एंड मैमल्स और मैमेलिया. ठीक है. अच्छा गाइस, इसके अंदर भी अब थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में जाना है. ठीक है. एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा, सो दिस इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन नाउ, एंड वी हैव टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल फॉर दिस. ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग, अगेन दिस इज द बेयर मिनिमम, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस कैन वॉच ऑल ऑफ दिस, बिकॉज तुम लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है. बट एनीवेज, लेट्स जस्ट क्विकली डू ऑल ऑफ दिस. तो हमारे पास सबसे पहले चीज क्या आएगी, हमारे पास सबसे पहले एम्फिबियंस है. ठीक है. सो गाइस, जो एम्फिबियंस हैं, इसके अंदर हमारे पास ना, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टू पेयर्स ऑफ लेग्स. सेकंड, हमारे पास जो लार्वा स्टेज होती है उसके अंदर हमारे पास गिल्स होते हैं, और जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें हमारे पास लंग्स होते हैं. ये बहुत आसान चीज़ें, आप इसे 2x पे भी देख लें, आपको समझ आता जाएगा. ठीक है. इसके साथ साथ हमारे पास 3 chamber हार्ट होते हैं, इंस्टेड ऑफ 4 chamber लाइक आवर्स, 3 chamber हार्ट, एंड दे आर वॉट वी कॉल पोएकिलोथर्मिक. ठीक है. पोएकिलोथर्मिक विच बेसिकली मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है, मैं बोल देता हूँ, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, यू कांट रियली गेट दिस रॉन्ग. ओके. सो आफ्टर एम्फिबियंस लेट्स टॉक अबाउट स्नेक्स. ठीक है, माई बैचमेट्स. अच्छा, सो स्नेक्स, दैट्स अ स्टूपिड जोक, इट्स नॉट इवन स्नेक्स, स्नेक्स इज रेप्टाइल्स. आई थिंक आई एम गेटिंग टायर्ड नाउ. अच्छा, रेप्टाइल्स जो होते हैं हमारे पास, इनका जो हार्ट होता है ना, उसका स्पेसिफिकली जो वेंट्रिकल होते हैं, वी से कि द वेंट्रिकल इज पार्शली पार्टिशन. ठीक है, और इनकम्प्लीटली पार्टिशन. दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू बेस्ट नो, इनकम्प्लीटली पार्टिशन. प्रॉपर पार्टिशन नहीं होती, जैसे हम लोग की प्रॉपर पार्टिशन होती है, उनकी उस तरह की पार्टिशन से होती है. देर ऑल्सो पोएकिलोथर्मिक, तो दीज आर ऑल्सो पोएकिलोथर्मिक. नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट आवर बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स में हम थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं. लेट्स जस्ट गो ओवर हियर सो दैट वी हैव इनफ स्पेस. सो टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, ठीक है, और इनको एवीज भी कहते हैं. अच्छा, इनके अंदर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वार्म ब्लडेड. ठीक है, एंड दे हैव विंग्स. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट सच बेसिक थिंग्स, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होते हैं. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो चीज़ें हमारे पास ना गाइस, वी हैव समथिंग कॉल्ड द सिरिंक्स. सिरिंक्स क्या होता है, इट्स द वोकल ऑर्गन विच अलाउज देम टू क्रिएट दोज ब्यूटिफुल और अनोइंग वॉइसेस. ठीक है, वोकल ऑर्गन. एंड देन गाइस, आई हैव द गिजर्ड. ठीक है, गिजर्ड क्या होता है, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी हुई या पढ़ी हुई, आई यूज टू बी अ बिग पॉटर हेड, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता था. लेकिन गिजर्ड इज बेसिकली दिस मस्कुलर पार्ट, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ पाउच, इट मींस अ डिफरेंट कलर ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. इट्स अ मस्कुलर पाउच. ठीक है, और उसके अंदर ना होते हैं विद स्टोन्स, और ये जो स्टोन्स होते हैं ना गाइज, दीज ब्रेक डाउन फूड. ठीक है, कि वो हिल हिल के खाने को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन फूड. इट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? They don't really have teeth like ours, तो वो ये काम कर रहे होते हैं. Then we have ostrich, mallard, kiwi, robin, kingfisher and kestrel. ठीक है, all of these things. Now guys, let's talk about our fourth thing, which is going to be mammalia. ठीक है, I think मैंने क्लास स्किप तो नहीं कर दी. Amphibians, reptiles, birds, mammals. Okay, the fourth and the last thing, that is going to be our mammals. Mammals के अंदर ना, the two most important thing is milk plus hair. ठीक है, कि milk होता है, hair होता है. ठीक है, this is the most important thing. इसके साथ साथ हमारे पास, we basically say, this is the terminology that your books use, fully evolved. ठीक है, again I don't know what that means because evolution is an ongoing process, लेकिन खैर आपकी किताबें MD CAT की ये कहती हैं जी fully evolved है, तो mammals को आप fully evolved ही समझा करें. ठीक है, and specifically important is टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जी, ये कॉटिलोसेवेरियन पीरियड था, सॉरी कॉटिलोसेवेरियन रेप्टाइल था, जिससे ये बेसिकली ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था. दिस इज देयर फोर फादर बेसिकली. ठीक है, एंड हमारे पास सेंजोइक पीरियड था 65 million ईयर्स अगो, दैट इज व्हेन दे बिकेम डोमिनेंट. कि मैमल्स का जो एरा ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज द सेंजोइक पीरियड 65
millions million years पहले. ठीक है. अच्छा, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन अब मैंने ना मैमल्स को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना है. ठीक है. सो मैमल्स इज अ क्लास इटसेल्फ, लेकिन मैमल्स में फर्दर थ्री सब क्लासेस आती हैं. ठीक है. एंड बिफोर आई गेट इनटू द सब क्लासेस, आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक टू यू गाइस अबाउट द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ मैमल्स. ठीक है. आई थिंक लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दोज, बिकॉज मैमल्स इज रियली हाईली टेस्टेड. देर सम रियली बेसिक स्टाफ के जी, डायफ्राम होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, स्वेट होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. तो मैं सिर्फ आप लोगों से जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करूँगा. हमारे पास ना गाइस सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी हैव नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स. एंड स्पेसिफिकली नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होने के साथ साथ एक और जो चीज़ है वो ये है कि एक्सेप्शन इज कैमल. कैमल में न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाईली टेस्टेड. ठीक है. अच्छा, इसके बाद गाइस जो अगली चीज़ है वो ये कि द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, पेट के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है नीड्स टू अकर 2 degrees लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. सो टेस्टिस एसेंशियली अलाउ यू टू हैव दैट. टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. ओके. एंड इसके बाद हमारे पास गाइस वी बेसिकली कॉल देम पेंटाडेक्टाइल लिम्स. पेंटाडेक्टाइल लिम्स का क्या मतलब होता है कि फॉर द मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव 5 fingers. ठीक है. पेंटाडेक्टाइल, आई नीड टू लुक एट द स्पेलिंग्स. पेंटाडेक्टाइल लिम्स बेसिकली मीन्स कि जी 5 fingers होती हैं लिम्स पे ना, 5 fingers होती हैं, 5 toes होते हैं, 5 fingers/toes. ठीक है. अच्छा गाइस, खैर ये तो कुछ स्टूपिड बातें हैं, लेकिन इसमें और भी हैं कि जी एल्वियोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, सीएनएस वेल डेवलप्ड होता है, बट आई एम अज्यूमिंग यू गाइस नो दोस थिंग्स, रियली बेसिक स्टफ. अच्छा, हम लोगों ने अब 3 classes की बात करनी है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. ठीक है. सो दीज 3 sub classes. अच्छा, एक बात मेरी सुनो, सुपर क्लास क्या थी हमारे पास? सुपर क्लास थी हमारे पास टेट्रापोडा. ठीक है. सुपर क्लास टेट्रापोडा के बाद क्लास है मैमल्स. ठीक है. एंड नाउ वी हैव 3 sub classes. ठीक है. द फर्स्ट सब क्लास दैट वी टॉक अबाउट ओवर हियर इज गोइंग टू बी प्रोटोथीरिया. प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया क्या कर रहा होता है कि प्रोटोथीरिया इज बेसिकली योर एग लेइंग मैमल्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्पाइनी एंट ईटर, डकबिल, प्लैटिपस. ठीक है. एग लेइंग होते हैं. ठीक है. और इसके साथ साथ दे डू हैव मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है. एंड वी बेसिकली से कि यार ये ना हमारे मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ले एग्स. ठीक है. दे आर सॉर्ट ऑफ अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल के दरमियान ये लिंकेज होती है. ठीक है. अच्छा, स्पाइनी एंटीटर, डकबिल, प्लैटिपस. ठीक है. याद करना, याद कर लो. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव मेटाथीरिया. जो मेटाथीरिया होता है गाइस, दे हैव पाउचेस. ठीक है. और जो पाउच होता है, सो हम इन्हें कहते हैं जी ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं. ठीक है. पाउच किसके लिए होता है? बच्चे के लिए होता है. ठीक है. पाउच का नाम क्या होता है? इट्स इजी टू रिमेंबर, मेटाथीरिया. एंड एम से ही हमारे पास मेरोस्पीली. ठीक है. मेरोस्पील. ठीक है. इसमें बच्चा बैठता है. एंड 3 examples होते हैं. देयर इज टैस्मेनियन वुल्फ, देयर इज ओपोसम, एंड देयर इज कैंगरू. ठीक है. एंड गाइस जो हमारे पाउचेस या मेरोस्पील होता है, ठीक है, मैं MARSUPIAL मेरिस्प्यूल. ठीक है. इसके अंदर यू हैव निपल्स प्रेजेंट. ठीक है. जहाँ से फिर बच्चा पी सकता है द मदर्स मिल्क. ओके. थर्ड थिंग इज यूथेरिया. एंड यूथेरिया गाइस आर प्लेसेंटल एनिमल्स विच बेसिकली गिव बर्थ टू यंग. ठीक है. कि जिंदा बच्चे होते हैं जिस इंसान होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स. एंड वी बेसिकली से कि जो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं, सो इफ दे वर आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस शो मैक्सिमम मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द यूथेरिया. मैन हो गया, वेल, एलिफेंट्स, हॉर्स, रैट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. गाइस जस्ट अ क्विक रिकैप, वी आर डन नाउ. ठीक है. हमारे पास क्या हो रहा है कि वी बेसिकली हैव आवर
मैमल्स में प्रोटोथीरिया, एगलिंग, मेटाथीरिया, पाउच मैमल्स, यूथीरिया, प्लेसेटल मैमल्स, दैट्स इट. ठीक है, सो गाइस दिस इज इट. आई नो दिस वाज अ बिट ड्राई. ठीक है, स्पेशली ये जो प्रोटोसोम्स यूट्रोसोम्स वाला पार्ट था ये तो सुपर ड्राई था. उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दूँ, बट गाइस आई गेस दैट्स जस्ट हाउ किंगडम एनिमिलिया इज. बट स्टिल आई होप यू गाइस हैड फन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप टू सी यू गाइस इन द फ्यूचर वीडियोज, एंड अल्लाह हाफिज़.